बड़ौद नगर पालिका चेयरमैन अमित राणा, सभासद गौरव और भारतीय गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष कुलदीप राणा गणेश विसर्जन में पहुंचे, जहां पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद गणेश विसर्जन किया गया। बागपत जिले के बड़ौद नगर में गणेश विसर्जन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बहुत दूर दूर से वहां गांव के लोग गणेश विसर्जन के लिए बड़ौद बड़ी नहर पर पहुंचे। उसके बाद बड़ौद नगर पालिका चेयरमैन अमित राणा पहुंचे। अमित राणा ने भी गणेश विसर्जन किया और कहा, यह पर्व हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी को देखते हुए हर त्योहार सूखा रह गया था, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए हुए और आपस में सभी का सहयोग करते हुए गणेश विसर्जन कर रहे थे। चेयरमैन साहब, जैसे आज गणेश महोत्सव है, उसकी तैयारी बड़े जुमों से चल रही है, लोगों की भीड़ बड़ी उससे उमड़ रही है। जो हिंदू की आस्था का प्रश्न है, क्योंकि पिछली बार कोरोना के चलते गणेश विसर्जन, गणेश जी की स्थापना नहीं हो पाई थी, तो हमारे यहाँ धर्मनगरी प्रभाव है, इसमें सभी हिंदुओं के त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाए जाते हैं। आज भारी आप देख रहे हो, सामने गणेश जी का विसर्जन हो रहे हैं, सब माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब यहाँ पे भारी भीड़ उमड़ रही है, गणेश जी की विसर्जन कर रहे हैं, गणेश जी को विदा कर रहे हैं, विदाई पार्टी गणेश जी की। जी जी, आप भी गणेश विसर्जन करवाने आए हो? मैं भी गणेश विसर्जन करवाया, क्योंकि बड़ौदकर नगर का मैं वासी हूँ, मेरे नगर के सब लोग हैं, तो मैं भी उनके साथ में हूँ। क्या यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है? हाँ, पुलिस फोर्स तो यहाँ चमक तो रही नहीं, एक दो आदमी लगे हैं जो एहतियात के तौर पर जाम न लगे उसकी तौर पर लगा रखे हैं। वैसे देखने को देखा जा रहा है कि हर चौराहे पे मुख्यतः जाम की व्यवस्था बनी जा रही है। आज दो कारण थे, एक तो चौधरी अजीत सिंह की रस्म पकड़ी थी जी, वहाँ पे भीड़ आई थी, और एक गणेश विसर्जन है एहतियात के तौर पर, सुबह से ही हर चौराहे पुलिस लग रही है। आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं गणेश विसर्जन के उत्सव पर? त्यौहार है अपना, हिंदुओं का पर्व है, इसे धूमधाम से बड़ी शांतिपूर्ण कोरोना की गाइडलाइन का पालन करके मनाया जाए। गणपति जय जय जय।